थैंकफुली मैं ऐसे स्कूल में पढ़ी हूँ जहाँ पे क्रिएटिव फील्ड्स को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हाँ, ये कुछ बड़ा सा रोल भी नहीं है या बहुत बड़ा किरदार तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन जो भी जिस भी इमोशन से आप गुजर रहे हो, इफ़ यू फील लाइक इट्स समथिंग बिग, आपको शेयर करना चाहिए अपने फैमिली के साथ, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो अपना भी इनपुट दे सके। Hi, this is Jaya and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with super talented, gorgeous Naila Garewal. Hi Naila. Hi. How are you doing? I'm very good. It's been a rainy, rainy morning and I'm just glad that we can be sitting indoors and having this conversation. Yes. Firstly, मैं आपकी आने वाली जो फिल्म है, वैसे आप उसके बारे में बात करोगे, मामला लीगल पार्ट 2 आने वाली है। Yes. How much excited are you for this? Very excited. You know, it's my first web series. I haven't done a web series before. So I think मैं बहुत खुश हूँ that I'm a part of a show that has received so much of love, and I can't wait to play an Anya Shroff all over again. Yes, yes. Part 1 में we loved you like anything. It was so super. I mean, we were talking with one of my friend today only that कि यार वो किरदार अब तक नहीं हम भूले हैं. It influence, it was looking like कि हाँ कुछ तो ऐसा कि true incidents हैं, ये सारी चीज़ें थी. But also I want to talk to you about Ishq Vishq Rebound, जो कि currently आई and people is praising about you for that same role. But you have to say on that कि you know हम जब देख रहे थे फिल्म, audience was also saying the same, even media people were also saying the same कि Naila would have got more space, screen space. Yeah. What about that? Firstly, you know, the love that the film is receiving in totality, I'm very happy about that. A lot of sections of society are praising the film. You know, रोज मुझे messages आते हैं कि मैम हमने दो तीन बार फिल्म देखा हुआ है, we really liked it, it's fun, it's fresh, it's showing four new fresh faces. That, you know, feels very good, क्योंकि हम सब ने बहुत मेहनत किया है obviously, like you do it with every project you are part of. लेकिन यू नो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस ऑफ दिस प्रोजेक्ट. हालांकि मैंने और रोहित ने थोड़ा और काम किया है कंपेयर टू द अदर टू, बट आई स्टिल फील लाइक हम दोनों के लिए भी इट्स बीन अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस. यू नो वी वर जस्ट टॉकिंग ऑफ कैमरा अबाउट प्रमोशंस में कितना मेहनत जाता है, एंड एक अलग नशा भी होता है बिकॉज यू आर फाइनली डूइंग व्हाट यू केम टू दिस इंडस्ट्री टू डू. सो मेहनत भी बहुत है लेकिन बहुत एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस बन जाता है. टॉकिंग अबाउट माय कैरेक्टर रिया, आई थिंक द लव दैट आई एम रिसीविंग कि काश रिया और होती, आई फील लाइक वो अपने आप में ही एक विनिंग थी, एक जीत थी. यस, बिकॉज आई जस्ट फील लाइक जो भी मैं पार्ट करूँ, कितना भी बड़ा या छोटा, ऑडियंसेस को लगना चाहिए कि हाँ इस कैरेक्टर ने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है हमारे माइंड में, हमारे जहन में, कि हम इस एक्टर को और देखें. एंड इफ दैट इज़ व्हाट माय ऑडियंस इज टेकिंग अवे फ्रॉम माय वर्क इन इश्क विश्क रीबाउंड, मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि बहुत कुछ आने वाला है, ये तो बस शुरुआत है. वाओ, सो इज दैट स्ट्रेटजी ऑफ योर्स कि भले रोल छोटा हो बट इम्पैक्टफुल हो, उस तरीके का किरदार ही मैं करूँगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यू नो जब आप नए नए शुरू करते हैं तो आपको इतना चॉइस नहीं मिलता जी कि मैं ये कर सकती हूँ ये नहीं करती. यू नो आई एम अ कंप्लीट आउटसाइडर, मेरे फैमिली में कोई इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जी नहीं. जी, तो फॉर मी जस्ट गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी फेल लाइक एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप वो जी जान मेहनत लगा के आप जितना आप उस किरदार में डाल सकते हैं आप डालिए, बिकॉज इतने ऑप्शंस ही नहीं होते. यस, व्हेन नॉट ओनली इफ यू आर एन आउटसाइडर, इन जनरल आई फील इतने ऑप्शंस व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ नहीं होते. हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनके पास 10 ऑप्शंस होते हैं, फिर वो पिक एंड चूज करते हैं कि मैं इसमें लॉन्च होंगी या इसमें लॉन्च होंगी. मेरा वो था ही नहीं, तो मेरा बस ये था दैट जो भी काम मुझे ऑफर हो या जो भी मैं जिसमें भी मैं ऑडिशन करके सिलेक्ट हो जाऊँ उसमें मैं अपना 100% दूँ. उसमें ऐसे कुछ अलग काम करो कि लोग मुझे याद करें और फिर रिकास्ट करें किसी चीज़ में. हाँ, आई कैन डेफिनेटली से दैट अब थैंकफुली मैं एक अभी एक नेक्स्ट लेवल पे आई हूँ जहाँ पे मुझे
स्क्रिप्ट्स पढ़ने का मौका मिल रहा है, मेरा मीटिंग्स कर सकती हूँ डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के साथ, वो मेरा काम जानते हैं, वो मेरा अभी जो अभी तक का फिल्मोग्राफी है वो जानते हैं. तो थोड़ा सा और अब आसान हो गया है कि अब मैं चूज कर सकती हूँ. टच यू नो, मुझे याद है आप जब तमाशा में लैंड हुई थी, ठीक है, इट वॉज वेरी बेबी पार्ट बट स्टिल इट वॉज इम्पैक्टफुल, यू नो, लोगों ने याद रखा है. सो डू यू थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्ड? आई फील लाइक फॉर मी, यू नो, तमाशा एक ऐसी फिल्म थी जहाँ पे मुझे पता था कि हाँ, ये कुछ बड़ा सा रोल भी नहीं है या बहुत बड़ा किरदार तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन मेरे लिए एज एन एक्टर इट वॉज अ मैसिव टीचिंग लेसन. यस, इट मेड मी रियलाइज कि अगर मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब तमाशा मेरे लिए हुआ था, आई थिंक आई वाज जस्ट 17 or 18, तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि एक सेट में एक एक्टर को कैसे होना चाहिए, लाइट कैसे आपके मुंह पे आना चाहिए, कितने स्टेप्स लेके अपने मार्क में पहुँचना पड़ता है, ये सब जो बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक सेट में काम करने का, वो बिल्कुल नॉलेज नहीं था मुझे. सो तमाशा जस्ट मेड मी रियलाइज दैट इसमें मुझे बहुत मेहनत करना होगा अगर मुझे इस चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाना है. तो आई फील लाइक मे बी पीपल डोंट, यू नो, सी तमाशा एज अ, यू नो, इट्स अ वेरी बिग पार्ट की ऑफ माई फिल्मोग्राफी एज एन एक्टर, बट फॉर मी एक आई टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट मैं रणबीर कपूर के साथ काम कर पाई. अब होप ये है कि नाउ दैट आई एम अ मोर कॉन्फिडेंट परफॉर्मर कि अब मुझे मौका मिले उनके साथ परफॉर्म करने. वाओ, बेस्ट ऑफ लक अगेन. ऑल्सो वॉन्टेड टू नो नायला, हाउ डज एक्टिंग हैपन टू यू? नो, आप 17 साल की थी तब आप तमाशा में लॉन्च हुई. मैं आपसे जानना चाहूँगी एक्टिंग का कीड़ा आया कैसे अब तक? तो एक्चुअली बचपन से ही मुझे सिंगिंग और डांस करने हाँ डांसिंग का शौक था, मुझे ये पता है आपको. हाँ, तो मुझे बचपन से ही डांसिंग एंड थिएटर का बहुत शौक था. थैंकफुली मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ी हूँ जहाँ पे क्रिएटिव फील्ड्स को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है. आई वेंट टू द ब्रिटिश स्कूल इन दिल्ली एंड वहाँ पे थिएटर मेरा एक मेन सब्जेक्ट था बचपन से ही. इट वॉज वन ऑफ माई मेन सब्जेक्ट्स ना, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड एन एक्स्ट्रा करिकुलर ओनली फॉर मी, इट वॉज ऑल्सो एज पार्ट ऑफ वन ऑफ माई सब्जेक्ट्स. तो मैंने जो वर्ल्ड ओवर अलग अलग थिएटर फॉर्म्स है उसके बारे में बहुत कुछ सीखा एंड दैट वो कीड़ा ना मेरे अंदर घुस गया था बचपन से ही कि मुझे परफॉर्म करने का बहुत शौक है, वेदर इट्स डांस और वेदर इट्स थिएटर एंड ड्रामा. वो पैशन मुझे जेन्युइनली पता नहीं था कि वो एक अभिनेत्री की वो उस ट्रेजेक्ट्री में चला जाएगा जहाँ पे मैं कैमरा के सामने परफॉर्म करूँगी अपनी ज़िंदगी में एज प्रोफेशन. बट मुझे ये हमेशा था कि मुझे परफॉर्म करना बहुत पसंद है, वेदर इट इज़ डांस, वेदर इट इज़ ड्रामा. एंड इवन इन कॉलेज में मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया, फिर मास्टर्स में एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस. मुझे ये था कि अगर एक्टर नहीं तो मैं आपके जैसे एक जर्नलिस्ट बन जाती. wow. अभी भी कैमरा के सामने आप एक परफॉर्मेंस एंड आप इंटरव्यू कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्व है. तो मैंने सोचा था कि अगर मैं एक्ट्रेस नहीं तो एक जर्नलिस्ट बन जाती. यू नो, दिल्ली से हो आप, मुंबई को प्यार बना लिया, क्योंकि दिल्ली वालों को जनरली जल्दी प्यार नहीं होता मुंबई से. डेफिनेटली, लेकिन मैं उस कैटेगरी में फिट नहीं होती, मुझे इंस्टेंटली प्यार मिल गया था से. हाँ, डेफिनेटली स्पेस की काफ़ी पाबंदी दिल्ली में, हम बंगलोज में रहते हैं, right, में रहते हैं, यहाँ पे फ्लैट सिस्टम है एंड इतने से स्पेस को लैविश 1 BHK कहा जाता है, right. तो बहुत ही अलग स्ट्रक्चर होता है यहाँ का. यू नो, खाने का भी स्टाइल बहुत अलग है हमारे गाँव से, लेकिन जेन्युइनली स्पीकिंग मुझे अब समझ आता है क्यों लोग मुंबई को घर बनाते हैं और फिर छोड़ के नहीं जाते. एक यहाँ पे करने का वो जज्बा है, काम करने का जज्बा है. लोग अलग अलग कोने से आते हैं एंड
एक उसके साथ आते हैं कि हम अब यहाँ आए हैं तो कुछ करके ही दिखाएंगे. और मुझे वो एक जज्बा बहुत पसंद है मुंबई का. मुझे समुंदर बहुत पसंद है. आई लव बीइंग बाय द सी. आई लव दैट सी मेरे इतने करीब है. एंड जब भी कोई तकलीफ प्रॉब्लम खुश खबरी होती है तो मैं सी के पास जाती हूँ. एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैं इस दुनिया का एक तो बहुत छोटा हिस्सा हूँ. आई जस्ट ड्रॉप इन द ओशन. हमेशा यू नो डोंट मेक एवरी इशू टू बिग. डोंट गेट टू हाइपर. डोंट फील लाइक योर प्रॉब्लम्स आर टू बिग. इट ऑल बी ओके. सो दैट्स हाउ आई काइंड ऑफ सी दिस सिटी. एंड प्यार हो गया मुझे. Agree, I can totally relate. Even I'm not from here, so I can relate. Yes, agree. आप क्या क्या देखती है when you have to consider a film for your projects? अब क्योंकि it has started in your life, you know, आप एक level ऊपर जा चली गई हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, what do you consider in your film? I think now, what I consider the most is what is the character arc of the character movie. How complete is the character? How meaty is the part? Because I still go by the fact that मुझे genuinely इतना फर्क नहीं पड़ता अगर part बहुत बड़ा है कि बहुत कम है. हाँ, definitely इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि मुझे अपना arc दिखाने का time या scope ना मिले. Right. But इतना time मिले एक performance, एक show में कि मैं अपना जो भी कैरेक्टर के रिक्वायरमेंट्स है वो सब दिखा पाऊँ. यू नो एंड दैट इज द मेन फोकस. आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज आज का आई थिंक आज के जो लोग हैं एंड ऑडियंसेस जो हैं वो ये नहीं देखते कि आप लीड हो कि सेकेंड लीड हो कि विलेन हो. अग्री. दे जस्ट सी कि how are we connecting with the character we are seeing on our screens, whether it's an OTT screen, which is your TV or your phone or your laptop, or a 70mm theater. Agree. I'll tell you one thing. I was talking to day before yesterday with one of the director, I think Siddharth Malhotra, Maharaj ke director. I was talking to him about this only, ki you know, aaj ki jo audience hai na, they are not waiting for a big star, not waiting for a particular yahi star ko dekhne jana hai mujhe. They are waiting for a content. They are also looking for a you know character. Kya character hai, kisne play kiya, and they are remembering that ki kisne kya play kiya tha. So that's a good thing, I guess. I mean, हम हर character को आज के date में उनसे बात कर रहे हैं, उनके बारे में उनको देख रहे हैं, उनके फिल्मों को देखना चाह रहे हैं. And it has become in this coming years only. इस साल में ही हुआ है. Talking about this इश्क विश्क rewound, रोहित से बात हो रही थी. He was saying that कि हमने जो मस्ती किया है. And talking about you only कि dance में बहुत अच्छी हैं आप. I love to dance. बहुत dance किया है मैंने and I continue to do it. You love it, right? I love it. But you know, Delhi से यहाँ आना, was that tough to make your path here? To be very honest with you, it's not easy. Yes. The journey is definitely not easy. See, बहुत उतार चढ़ाव होते हैं इस इंडस्ट्री में. एक नॉर्मल 9-to-5 जॉब तो है नहीं कि आप ऑफिस गए, काम किया एंड यू नो आप फिर वापस घर आ गए, ऐसे तो है ही नहीं. तो वन डे इट्स ग्रेट हाइज एंड सम डेज इट्स कम्प्लीट लोज. And I just feel like एक चीज that has always kept me grounded and sane is your friends and family, your close circle. एक चीज है like I've made it a point कि जो भी जिस भी emotion से आप गुजर रहे हो, if you feel like it's something big, आपको share करना चाहिए अपने family के साथ, अपने close friends के साथ, ताकि वो अपना भी input दे सके. बिकॉज यहाँ पे बहुत ये भी है कि बहुत लोग आपको बहुत चीज़ें बोलते हैं. राइट. एंड व्हेन यू आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, आपको ये नहीं पता कि किसका बात मैं सुनूँ, किसका रिजेक्ट करूँ, किसका ओवरलुक करूँ. आपको उसका अवेयरनेस ही नहीं है. सो आई फील लाइक यू नीड टू कीप योर क्लोज फैमिली एंड योर क्लोज सर्कल वेरी क्लोज टू यू
I think that kind of keeps you sane in the chaos. कोई था ऐसे जो आपको इस path में help किया उस time पे industry से? Industry से I don't know about the industry. I शायद होंगी लेकिन honestly whenever you say that it has to be my parents, yes. My sister, two three of my closest friends, my best friends. उनसे ही यू नो खुल के आप बता सकते हो कि एक्चुअली में आपका आप क्या फील कर रहे हो इंडस्ट्री में अभी तक यू नो फ्रेंड्स तो बने हैं लेकिन ये तो आपके बहुत वो वल्नरेबल मोमेंट्स होते हैं जो आपको शायद उनके साथ भी ना शेयर करना सो आई फील लाइक इफ आई एवर थिंक ऑफ दैट आई विल ओनली थिंक ऑफ माई पेरेंट्स माई सिस्टर यू नो माई फैमिली एंड माई Right. You know, you're known for Mamla Legal here, I will say this. Yeah. And I want to know how that happened to you, Mamla Legal, and what was one reason to say yes for that? That's a nice question. So actually, to tell you that I shot for Ishqvish before I shot for Mamla Legal. Oh. Yeah. So Ishqvish pehle hua tha and Mamla Legal hai ki shoot uske baad hui thi and thoda sa schedule bacha tha of Ishqvish. बट ऐसे हुआ कि इश्क बाद में रिलीज हुआ एंड मामला लीगल है पहले आए बट व्हाट मेड मी से यस आई थिंक आई वाज ऑडिशनिंग एंड रीडिंग फॉर अ कपल ऑफ अदर थिंग्स आफ्टर इश्क रीबाउंड एंड देन व्हेन मामला लीगल है का स्क्रिप्ट आई रेड इट वाज अ स्क्रिप्ट फॉर मी एज सून एज आई रेड द स्क्रिप्ट आई न्यू दैट दिस इज गुड राइटिंग इट वाज सो एंजॉयबल टू रीड That I knew that अगर मुझे मौका मिले इसका पार्ट बनने का तो आई थिंक इट्स माई ब्लेसिंग इफ आई एम फाइनली गेटिंग अ चांस टू प्ले अ कैरेक्टर दैट हैज सो मेनी शेड्स एंड हैज सो मच टू डू देन इट्स नॉट समथिंग आई शुड से नो टू एंड डेफिनेटली यू नो नेटफ्लिक्स द कास्ट रवि किशन सर निधि अनंत यशपाल सर आई मीन द लिस्ट इज एंडलेस ऑफ द एक्टर्स संदीप मैम सच फाइन एक्टर्स सो आई न्यू दैट This is a story and a cast that I shouldn't let go of. Did you relate anything from your character? Yeah, Ananya Shaw? Hanji? I think a little bit. So I studied in an international school in Delhi called the British School. So wahan pe kya hai na ki like not only from India but world over ke bachche wahan pe padhte hain. Hamare teachers bhi it's a mix of international teachers and Indian teachers. So my upbringing was a little bit more modern so to say because when you are in an international school then english becomes your medium for communication hindi mera foreign language hota tha ji so it was not like a normal like it's my mother tongue but it was considered a foreign language in my school oh the hindi one hindi nice. not because of the fact that it's an international curriculum right so for me when I went from british school to lsr delhi university mere liye wo बहुत बड़ा शिफ्ट था बिकॉज माई स्कूल लाइफ वॉज अ वेरी डिफरेंट लाइफ इट वॉज वेरी शेल्टर्ड इट वॉज ओन पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी प्राइमरीली वेयर एज दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या है बच्चे हर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी हर काइंड ऑफ सिटी पोलिटिकल सोशल क्लाइमेट से अलग अलग टाइप के गर्ल्स वर इन माई कॉलेज extremely intelligent girls so it was a massive reality check for me to go from school to college and that switch is what I took into my character the way I used to feel when I first entered Delhi University I felt a little out of place it's that element that I tried to bring into my character of Ananya Shaw because she is also Howard educated yes. and then comes to Patparganj district court which is very Indian and very confusing UP based thing yes correct right. so for me I try to incorporate bits from the Naila who had just gone from school to college into Ananya's part isliye I asked you that question kyunki it's कुछ कुछ ना सिमिलैरिटीज लग रहे थे क्योंकि शी इज क्वाइट एजुकेटेड इन द इन हर फील्ड और उसको सब चीज़ करवा देन अगेन शी हैज बीन शिफ्टेड जिसको बहुत दिक्कत होती है सारे चीज़ संभालने में बट दैट वाज सुपर्ब शो आई जस्ट लव दैट लव दैट शो यस नाइला वुड आई लाइक टू आस्क फ्रॉम यू कैन यू सैटिस्फाइड व्हाट यू आर डूइंग टुडे ओह दैट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बट आई थिंक आई एम
I feel I try to count my blessings every day. Mm. You know, I've realized that as actors and as people from within the industry, we're always hungry for more. Yes. We're never satisfied, right? Yes. So the hunger is of course there, but do I sit back and feel grateful and thankful? Yes, I do. Till maybe 2 years ago, I was sitting at home thinking, मुझे कब मौका मिलेगा एक्ट करने का. ऑडिशंस पे ऑडिशंस दे रही थी, नथिंग वाज रियली मटेरियलाइजिंग. एंड देन इश्क रीबाउंड हैपेंड एंड देन मामला लीगल है. यस. एंड इट्स आई फील अ मैसिव ब्लेसिंग दैट आई हैव हैड टू रिलीजेस इन वन ईयर इन द स्पैन ऑफ अ कपल ऑफ मंथ्स. यस, एग्जैक्टली. एंड थैंकफुली टच वुड आई एम डूइंग मोर ग्रेट टच वुड. या सो इट्स नॉट it's a journey that you have to take, and if you are not grateful, then I feel like the journey is not worthwhile, and it's never going to, I feel like you're never going to feel like, ah, I've made it. Wo kabhi hoga nahi. I feel like maybe the biggest of actors who may have everything, yes, material wise, tangible and intangible, they might have everything in the world, and if they still don't feel like, ah, I've made it, you know, that there's a, you never feel that. Agree. You never feel ab ho gaya. I bet even Mr. Shah Rukh Khan doesn't feel ab ho gaya. Like, you know, after being such a legend, right, and he literally epitomizes Bollywood, honestly, yes, for everyone and the world. He also must not be feeling like ab ho gaya. Right. So I feel like wo ab ho gaya wala to feeling hona hi nahi chahiye. Hunger should be there, but gratitude has to always remain, because if you're not grateful and humbled by the achievements you've gotten, then I feel like it's not a great attitude to have. Right. But I also want to know, how have you evolved since Tamasha? You know, aaj aap jab dekh rahi hai peeche, you have done back to back 2-3 shoots in a month, you are released, do release ho gayi hai. How much you have evolved as a person, and kya kya changes aapne dekha hai is dauran, kab se aaj tak mein? Changes to bahut hue hain personally, professionally. I feel like the biggest learning and growth is when you start to just firstly observe people in my field. I've become a lot more observant as a person. Ek thehrav bahut important hai. I used to be very anxious and on edge about everything. Agar audition bhi dena hai to matlab pagalpan ho jaata, like literally हर चीज, यू नो, एक हंगामा क्रिएट करना घर पे कि ऑडिशन करना है. दैट आई गॉटन, यू नो, आई काइंड ऑफ लेट गो ऑफ दैट काइंड ऑफ फीलिंग. एक यू नो, एक कॉन्फिडेंस आ गया, एक अनसेट कॉन्फिडेंस आ गया अपने अंदर, दैट आई कैन एक्ट नाउ. राइट. बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल सिचुएशंस टू मेक यू फील लाइक यू आर नॉट गुड इनफ. यस. राइट. एस्पेशली व्हेन you are doing if chosen a kind of profession where other people define how you feel about yourself. Agar aapko mera performance acha nahi laga to I should start hating myself. It's kind of that kind of field. Yes. Where this, yes, can happen. Agree. So you can't let the bhavai get to your head, but you can't even let the trolling or the hate get to your head. So there has been a lot of kind of evolution in the person I am, in the way I choose my work, of course, but also how I view life. I just try to be a lot more appreciative now, have more confidence in myself, and just kind of be as observant and aware as I can be, and not get so anxious and stressed about the work. Yes. In coming times, kahan kahan dekh sakte hain aapko? So there is definitely Mamla Legal Hai season 2 that, yes, I can openly talk about, because yes, that has been announced, yes, and it's been written, and we'll be shooting it soon, so I can't wait. And apart from that, there are a few more interesting, exciting things that I wish I could talk about, but I can't today, but we'll talk. Hi, I'm Naila Grewal, and you're watching me on Bollywood Now.